अगर तुम लोग चाहते हो कि पीसी प्लेयर्स की तरह स्नाइपर का यूज करो वो भी मोबाइल पे, तो इस वीडियो को तुम लोग लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो पर तुम लोग AWM के लिए बेस्ट सेटिंग्स एंड बेस्ट सेंसिटिविटी जानोगे। आखिर AWM से किस तरह से हेडशॉट्स मारते हैं वो भी सीखोगे, और AWM से बेस्ट एमलॉक की ट्रिक सीखोगे जिससे तुम्हारे ज्यादातर बुलेट्स बंदों को लगेंगे। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो होगा वन टैप हेडशॉट के सीक्रेट ट्रिक पर, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर इस वीडियो पर 30,000 लाइक्स कंप्लीट होंगे तभी जाकर वो वीडियो आएगी। तो इस वीडियो पर AWM के कुछ स्पेसिफिकेशन को दिखाया गया, और यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि AWM की एक्यूरेसी 90 है, यानी कि हमारे फ्री फायर पर जितने भी गन्स है सारे में से सबसे ज्यादा एक्यूरेसी AWM गन में। लेकिन एटीट्यूड भाई, अगर इतना ज्यादा एक्यूरेसी है तो फिर बंदे पर बुलेट कनेक्ट क्यों नहीं होती? ये फंस गया सी है। देखो, AWM गन की एक्यूरेसी ज्यादा तो है, लेकिन इसको चलाने का टेक्निक तुम्हें अलग रखना हो। तो देखो, कुछ सेटिंग्स है जिसको तुम्हें करने चाहिए। सबसे पहले कि तुम्हारे इतने सारे सेंसिटिविटी में से बस 2 सेंसिटिविटी ही स्नाइपर्स पर वर्क करती है। पहला है जनरल सेंसिटिविटी, जिसको तुम्हें हमेशा फुल ही रखना है, एंड दूसरा है ये सेंसिटिविटी जो कि AWM या फिर किसी भी स्नाइपर पर वर्क करती है, एंड इसको तुम लोग 95 के करीब रखना है। और अगर तुम लोग AWM स्कोप की सेंसिटिविटी को कम रखते हो, देन किसी भी स्नाइपर पर स्कोप ओपन करने के बाद तुम लोग ड्रैग करोगे तो बहुत ही कम सेंसिटिविटी होगी। भाई लोग, एक ऐसी ट्रिक है जिससे आपको 100 डायमंड्स फ्री में मिलेंगे, बस आपको खिलाड़ी अड्डा ऐप इंस्टॉल करके मेरे रेफरल कोड free20 से ज्वाइन करना है। जो मेरे रेफरल कोड से ज्वाइन करेगा उनमें से 10 रैंडम प्लेयर्स को मिलेंगे 100 डायमंड्स खिलाड़ी अड्डा की तरफ से बिल्कुल फ्री। खिलाड़ी अड्डा ऐप में फ्री फायर एंड फ्री फायर मैक्स को डेली खेलकर आप लोग जीत सकते हैं 2000 से भी ज्यादा कैश। ये ऐप हर महीने लगभग 1500 से ज्यादा कॉन्टेस्ट होस्ट करती है, जहाँ हर खिलाड़ी हर रोज 10,000 तक जीत सकता है। इन सब में मेरा फेवरेट है हर शाम 11:30 बजे होने वाला सर्वाइवल बैटल, जिसमें जो सबसे आखिरी तक जिंदा रहता है उसे ही सबसे ज्यादा प्राइज मनी मिलता है। अगर आप किल नहीं कर पाते लेकिन कैंपिंग में एक्सपर्ट हो तो ये खेल बस आपके लिए ही। ये गेम सबसे हट कर है क्योंकि यहाँ सभी लेवल के प्लेयर्स जीत सकते हैं, वो भी बिना किल्स के, और न्यू यूजर्स को ज्वाइनिंग बोनस भी मिलता है। साथ ही इसके डिस्कॉर्ड पर डायमंड गिवअवे एंड प्रैक्टिस स्क्रीम्स भी होती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाओ और free20 रेफरल कोड यूज करो और बोनस के साथ पाओ 100 डायमंड्स फ्री। तो अभी रजिस्टर करें। एंड सबसे पहले तुम्हें अपने क्विक वेपन स्विच को अनेबल करना। इसको अनेबल करने के बाद तुम्हें सिंपली लेफ्ट फायर बटन को भी अनेबल करना। देन नीचे पर तुम्हें यहाँ पर और एक सेटिंग मिलेगी जिसको तुम्हें होल्ड फायर टू स्कोप पर करना। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, जब हम लोग किसी भी स्नाइपर का यूज करते हैं तो यहाँ पर बीच में हमें किसी भी रेड डॉट का साइन नहीं मिलता, एंड इसी कारण से तुम्हें अपने कस्टम HUD पर जाने के बाद अपने पेट के इमोट को बीच पर सेट कर लेना, जिसके बाद मिडिल पर तुम्हें एक डॉट शो होगा एंड इससे अंदाजा लगाकर तुम लोग फायरिंग कर पाओगे। अगर तुम्हारे स्नाइपर का ज्यादातर बुलेट्स बंदे पर मिस हो जाता है एंड बंदे को नहीं लगता, देन तुम लोग सिंपली अपने कैरेक्टर स्किल में लॉरा कैरेक्टर का यूज कर सकते हो। इसका यूज करने पर तुम्हारे सारे स्नाइपर पर एक्यूरेसी काफी ज्यादा हो जाएगी। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक यानी कि नॉर्मल ट्रिक्स को जानेंगे, देन इसके बाद हम लोग एडवांस लेवल की ट्रिक्स को सीखेंगे। नंबर 1, तुम लोग किसी भी स्नाइपर के फायरिंग करने के बाद अपने स्विच बटन या फिर गन बॉक्स से अपने गन को स्विच करना, मतलब कि तुम्हें ऐसा प्रैक्टिस करना कि तुम लोग फायरिंग करो देन तुरंत से स्विच बटन को क्लिक करो, या फिर अगर तुम लोग 2-finger प्लेयर हो देन तुम लोग अपने गन बॉक्स से भी इस गन को स्विच कर सकते हो और तुम लोग मोबाइल पर से ही PC प्लेयर्स की तरह AWM को चला सकते हो। अच्छा। नंबर 2, जब भी तुम लोग प्रैक्टिस करो देन अपने मिडिल पॉइंट पर सबसे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि जब तुम लोग मिडिल पॉइंट को सेट करना सीख जाते हो देन तुम्हारे एक भी बुलेट मिस नहीं होगी। नंबर 3, तुम लोग अपने स्नाइपर से फायरिंग करने के बाद गन को ना ही ज्यादा फास्ट स्विच करना और ना ही ज्यादा स्लो स्विच करना, क्योंकि काफी स्पीड से स्विच करने पर तुम्हारे गन से बुलेट फायर नहीं होगी लेकिन तुम्हारा गन स्विच हो जाएगा। एनीवेज गाइस, अब बात करते हैं एडवांस लेवल के ट्रिक्स, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि तुम्हें एडवांस लेवल की सारी ट्रिक्स को क्यों सीखना चाहिए। देखो, क्योंकि एडवांस लेवल की ट्रिक्स में फ्री स्टाइल ट्रिक्स को भी बताया जाए एंड जिसको सीखने के बाद तुम लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स की तरह गेम प्ले कर पाओगे। और AWM गन का डैमेज काफी ज्यादा होने के कारण तुम लोग बस 2 बुलेट्स पर ही किसी भी बंदे को मार सकते हो। सो ट्रिक नंबर 1, हाउ टू सेट योर एम। सच बोलो तो अगर तुम लोग एम को सेट करना सीख जाते हो देन तुम लोग AWM को आधा चलाना सीख चुके हो। सो इसको तुम लोग ध्यान से देखना। सिंपली अपने एम को सेट करने के लिए अपने कर्सर बटन एंड अपने राइट साइड के स्क्रीन का यूज करना। तुम्हें अपने कर्सर बटन को इधर से उधर स्क्रॉल करना है जिससे तुम्हारा कैरेक्टर भी इधर उधर जाए एंड तुम्हारा एनिमी तुम्हें हेड नहीं मार पाए, एंड उसी सेम टाइम पर तुम्हें अपने राइट साइड के स्क्रीन से अपने एम को एडजस्ट करना, और जैसे एम को एडजस्ट करते हुए एम बंदे पर आता है देन तुरंत से तुम्हें अपने फायर बटन को प्रेस करना, एंड इसकी प्रैक्टिस तुम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड पर कर सकते हो।
बेसिकली ये एक स्नाइपर के लिए एम लॉक ट्रिक है। इसका यूज करने पर बंदे चाहे किसी भी पोजीशन एंड सिचुएशंस पर हो, तुम लोग बंदे पर एम लॉक कर सकते हो। एग्जांपल के लिए तुम्हारे एम के राइट साइड पर एक बंदा है। अब मान लो सिंपल सा तुम लोग प्रेस करोगे अपने फायर बटन को, तुम्हारा जो एम है वो बंदे के साइड पर ही लगेगा, बंदे को नहीं लगेगा। और इसीलिए तुम्हें राइट साइड यानी कि बंदे के साइड पर अपने फायर बटन को स्क्रॉल करके ड्रैग करना, एंड ऐसा करने से चाहे तुम्हारा एम बंदे से कितने भी दूर पर हो लेकिन एम बंदे को ही जाकर लगती है। थैंक यू। सेम यही चीज अगर तुम्हारे एम के लेफ्ट के साइड पर बंदे, देन जब भी तुम लोग फायरिंग करो देन अपने फायर बटन को लेफ्ट के साइड ड्रैग करके ही फायर करना। और यही मेन कारण है जिससे मेरे ज्यादातर बुलेट्स बंदे को लगते हैं। सो AWM या फिर किसी भी स्नाइपर से हेडशॉट्स कैसे मारते हैं, तुम्हें भी पता कि AWM गन पर बंदे पर एम चिपकता नहीं, और इसलिए तुम्हें अपने एम को अपने हेड के बराबर पर रखना होगा, क्योंकि हमारे फ्री फायर पर सारे कैरेक्टर्स का साइज एक है। मतलब कि अगर एम हमारे हेड के बराबर पर है तो वो बंदे के हेड के बराबर पर भी होगा। तो हमेशा अपने एम को अपने हेड के बराबर पर ही रखना। इससे ये तो नहीं बोलूंगा कि हर बार हेडशॉट्स लगेंगे, लेकिन अगर बंदा रन कर रहा हो यानी कि दौड़ रहा हो देन तुम लोग हेडशॉट्स कैसे मारो, तो देखो रनिंग हेडशॉट्स मारने के लिए तुम्हें सिंपली अपने फायर बटन पर टैप करके रखना होगा। टैप करके रखने पर तुम्हारा स्कोप ओपन हो जाएगा लेकिन तुम्हारा फायर नहीं होगा, एंड फायर बटन को टैप करने के बाद तुम लोग इधर से उधर मूव कर सकते हैं, जहां पर फायर बटन को छोड़ोगे वहीं पर फायरिंग हो जाएगा। यहां पर एग्जांपल देखो, यहां पर बंदा रन कर रहा है, तो मैं अपने फायर बटन को प्रेस करने के बाद बंदे के साइड पर ही करके ले जाऊंगा, जैसे ही हेड के बराबर पर जाता मैं सिंपली अपने फायर बटन को छोड़ दूंगा जिससे बंदे को हेडशॉट्स लग जाएगा। नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। हाँ, इस ट्रिक को सीखने के लिए तुम्हें काफी ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा, सो सिंपली तुम लोग जाओ और प्रैक्टिस करो। लेकिन अब आती है सबसे मेन ट्रिक। यहाँ तुम लोग बैकग्राउंड पर देखो, ये एक फ्री स्टाइल गेम प्ले जहाँ पर मैं स्नाइपर का यूज कर रहा हूँ, वो भी बिना रुके। ना ही मेरे AWM पर कोई भी रिलोड लग रहा है, ना ही कोई प्रॉब्लम आ रही। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो वन टैप हेडशॉट ट्रिक पर हो। तो देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि फायरिंग करने के बाद स्विच बटन या फिर गन बॉक्स का यूज नहीं कर रहा, बल्कि अपने ग्लू वॉल का यूज कर रहा। मतलब कि एक बार फायरिंग किया तुरंत से मैंने ग्लू वॉल को लगाया, इससे भी गन पर रिलोड नहीं आया। फिर से फायरिंग करो, फिर से ग्लू वॉल को लगाओ, एंड इसी तरह से तुम लोग फ्री स्टाइल का गेम प्ले कर सकते हो।